नागिन फेम टीवी एक्टर पर्ल विपुरी एक नाबालिग लड़की से रेप और छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि इस बीच खबरें आई थी कि पर्ल को जमानत मिल गई है, लेकिन वो सभी अफवाहें निकली। दरअसल उनकी दोस्त करिश्मा तन्ना ने उन्हें बेल मिल जाने का दावा किया था। एक और जहां एकता कपूर से लेकर अनीता हसंदानी और निया शर्मा से करिश्मा तन्ना तक पर्ल के सपोर्ट में नजर आ रही हैं, वहीं अब रेप और छेड़खानी के आरोप पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि क्या नाबालिग लड़की के माता पिता के बीच झगड़े के कारण पर्ल पर रेप और छेड़खानी के आरोप लगाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि पर्ल विपुरी पर जिस नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है, उसके माता पिता के बीच तलाक का केस भी चल रहा है। यही नहीं, दोनों बेटी की कस्टडी को लेकर भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी ओर इन सब के बीच टीवी इंडस्ट्री से पर्ल विपुरी को खूब सपोर्ट मिल रहा है। एकता कपूर ने भी शनिवार को यही कहा कि ये आरोप लड़की के पिता ने लगाए हैं, जबकि एकता का कहना है कि उन्होंने लड़की की मां से बात की है और उनका कहना है कि उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। दूसरी ओर अनीता हसंदानी, निया शर्मा, रक्षंदा खान, करिश्मा तन्ना से लेकर राखी सावंत तक का कहना है कि पर्ल पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। इन महिला एक्ट्रेस का कहना है कि पर्ल एक बेहद सुलझे हुए और शरीफ इंसान है, ऐसे में उनके ऊपर इस तरह के आरोप में कोई सच्चाई नहीं जान पड़ती। अब मुंबई पुलिस में डीसीपी ने एकता को जवाब दिया है और कहा, ये सभी आरोप झूठे नहीं हैं। अभी हम मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं और जल्द ही सच से पर्दा उठ जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने 4 जून को पर्ल पुरी को रेप के मामले में गिरफ्तार किया था। पर्ल के साथ अन्य 5 लोग भी गिरफ्तार हुए थे। इस बारे में पुलिस ने कहा कि ये घटना पुरानी है, लेकिन 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपनी मां के साथ मलवानी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता के आरोप के आधार पर इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज।